दोनों से। सो दोस्तों, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये शायद आप लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर खड़ा होकर मैं मेरे बंगाली चैनल से वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी मैं बंगाली चैनल से वीडियो बना रहा था और मैंने सोचा कि अभी यहीं पर खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना दिया, हिंदी चैनल पर वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड पकड़ तो नहीं है ना, इसीलिए मेरा जो सेटअप है वो एक एक करके ले जाता पड़ता है। ठीक है, मैं आपको दिखा था रुकी है। ठीक है, देखिए ये मेरा सेटअप है, मतलब यहाँ पे एक बुक है, उसके बाद एक छोटा टूल है, उसके बाद और एक टूल है, उसके बाद एक मतलब लकड़ी का टूल है, ये सब कुछ एक एक करके ले जाना पड़ता है और मतलब वहां पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सेटअप टूर किया था, उसमें मैंने बताया था, शायद वो वीडियो आपने देखा होगा, तो आपने पता होगा, आपको पता होगा। तो मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि मेरा जो यूट्यूब का सेकेंड पेमेंट है वो आ चुका है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे कितना पेमेंट मिला, कितना ज्यादा टाइम लगा, उसके साथ कितना टैक्स कटा, उसके साथ इंडिया और यूएस का जो टैक्स का समझौता हुआ था जिसके लिए यूएस का जो व्यूअर्स है उसका मतलब थोड़ा टैक्स कट जाता है, वो कितना कटा वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जितने भी मेरे जूनियर यूट्यूबर्स हैं वो थोड़ा मोटिवेशन पाए, मोटिवेट हो जाए, और मतलब पैसा देखकर तो कोई मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का वीडियोज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसीलिए जो भी यूट्यूब में काम कर रहा है पैसे के लिए वो थोड़ा मोटिवेशन पाए, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, सो कितना दिन टाइम लगा मेरे सेकंड पेमेंट आने में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरा जो फास्ट पेमेंट है आप शायद देखे होंगे अप्रैल के महीने में आया था। ठीक है, अप्रैल के महीने में मेरा फास्ट पेमेंट आया था और ये चल रहा है अगस्त, तो ऑलमोस्ट 4 महीने लग गया मेरा सेकंड पेमेंट आने में। ठीक है, कितना ज्यादा व्यूअर्स पे मुझे पेमेंट मिला देखिए, तो यहाँ पे व्यूअर्स जो है वो मतलब कैटेगरी वाइज मैटर करता है। ठीक है, मतलब अगर आपका एडुकेशन चैनल है, अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो कम व्यूज पे ही आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर आपका सिंगिंग का चैनल है, अगर डांस वगैरह हो रहा है, इस टाइप का चैनल है, तो आपको बहुत ज्यादा व्यूज लाना पड़ता है, उसके बाद पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब यूट्यूब को ये पता है कि एक लड़की जो है छोटे कपड़े पहन के नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये तो सब कुछ देखेगा ना, सब देखेगा ये, यूट्यूब को ये भी पता है। इसीलिए यूट्यूब जो एडुकेशन चैनल है, जो टेक्निकल चैनल है, इसमें कम व्यूज पे ही पैसा देते हैं, क्योंकि YouTube को पता है कि एक ही कैटेगरी का लोग होगा जो कि एडुकेशनल वीडियोस देखेगा, टेक्निकल वीडियो देखेगा, इस टाइप का जो वीडियोस होता है इसमें व्यूज कम आ जाए। ठीक है, और कम व्यूज पे ही पैसा मिल जाता है। लेकिन मेरे चैनल पे टेक्निकल जो भी वीडियोस होता है ना, वो भी बहुत ही क्रिटिकल टाइप का मैं टॉपिक पे बात करता हूँ, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल बंदा अगर होगा तो ही वीडियो देखेगा। ठीक है, जैसे कि टॉप 5 मोस्ट कंप्यूटर वायरस, मोस्ट डेंजरस कंप्यूटर वायरस, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स, इस टाइप का मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियोस देखेगा वो बंदा भी नॉलेजेबल बंदा होगा, ये YouTube को पता है। इसीलिए मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो बहुत ही कम है, एक वीडियो में मुझे 60-70-80 ऐसे करके व्यूज मिलता है, मतलब 100 व्यूज भी नहीं आता है। 2-4 वीडियो है जिसमें ज्यादा व्यूज है, लेकिन मैक्सिमम वीडियोज मतलब 99% वीडियोज में मुझे 100 व्यूज भी नहीं मिलता है, लेकिन उस वीडियो से मुझे पैसा मिल जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि टैक्स कितना कटा। देखिए, अगर जो डॉलर है वो अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट होगा तो टैक्स तो कटेगा, तो मेरा टैक्स कटा $1.5, यानी कि 100-110 रुपीज इंडियन मनी में कटा। ठीक है, उसके साथ अगर बात करें कि इंडिया और यूएस के बीच के जो टैक्स का समझौता हुआ था, मतलब यूएस के व्यूवर्स का थोड़ा बहुत टैक्स वो लोग कट लेगा, उसका टैक्स कितना कटा, तो $1.2, मतलब 90-95, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज कट हो गया। ठीक है, सो अगर आप एक जूनियर यूट्यूबर्स है, आपके पैसा जो है वो यूट्यूब से आने वाला है, या आपका चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने गूगल एडसेंस क्रिएट करके रखा है, तो यूएस टैक्स फॉर्म को फिलअप जरूर करना। ठीक है, इस वीडियो को देखना, ये इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, टैक्स का जो फॉर्म है उसको फिलअप जरूर करना। ठीक है, अदरवाइज आपका चैनल के जितने भी पैसा मतलब अर्न करोगे आप, उसका 24% कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में जरूर रखना, टैक्स के फॉर्म को फिलअप जरूर करना। ठीक है, मतलब टोटल 200 रुपीज मेरा कट हो गया। ठीक है, और अभी बात करते हैं कि पेमेंट आया कितना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेकंड पेमेंट आया है, उससे मैंने क्या क्या खरीदा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा 5,000 का टच स्क्रीन फोन खरीदा है, जो कि मैंने मम्मी को गिफ्ट किया है। ठीक है, उसके साथ आप तो जानते हैं कि मेरे ट्राइपॉड नहीं है, मेरे माइक नहीं है, रिंग लाइट कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही फोन से ही वीडियो बनाता हूँ, फोन से ही एडिटिंग करता हूँ, फोन से ही अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा है जिसका प्राइस है 500, एक रिंग लाइट खरीदूंगा जिसका प्राइस है 500, और एक माइक खरीदा है जिसका प्राइस है 1000। ठीक है, तो ये सब आपको जोड़ लेना। उसके साथ मेरा एक बाइक है, जिस बाइक को मैंने सर्विसिंग भी किया है, उसमें खर्च हुआ है
मतलब 1700 खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जोड़ लेना, जोड़ के बाद जो अमाउंट होगा वही अमाउंट मेरा सेकंड पेमेंट है, ठीक है। तो इस सेकंड पेमेंट से मैंने इतना सब कुछ किया है, और ये मतलब एक मोटिवेशन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारे जितने भी जूनियर यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसा वगैरह अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो लोगों के लिए ये वीडियो जो है थोड़ा मोटिवेशन वीडियो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे जब 500,000 सब्सक्राइबर थे और मैं मतलब अर्न करने के बारे में सोच रहा था, तब मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखता था, कोई कहता था कि मेरा 10,000 पेमेंट आ गया, मेरा 20,000 पेमेंट आ गया, ठीक है। तो वो वीडियो देख के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता था, तो इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेशन पाए इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, और अगर आपके मन में टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे किसी भी वीडियो पे नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर।